तीन साल से टूटा है पुल, लोग परेशान। शिकायत के बाद भी आज तक नहीं मिला बजट। दून हलके की ग्राम पंचायत मानपुरा क्रोतनावाला में पिछले तीन साल से पुल टूटा हुआ है। यह पुल टेढ़ा जामुन डोरा बुआसनी सड़क मार्ग पर है। यह पुल ठेड़ा जामुन डोरा बुआसनी सड़क मार्ग पर रोतनावाला गांव में है, जो कि आधा दर्जन पंचायतों को जोड़ता है। आलम यह है कि यह पुल पिछले तकरीबन तीन सालों से टूटा हुआ है, लेकिन आज तक विभाग ने इसकी सुध तक नहीं ली। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग को भी दी थी, लेकिन इससे विभाग की नींद नहीं टूटी और समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। आओ देखें रोजाना श्री अनंतपुर साहिब की यह रिपोर्ट। इस संबंधी जब विभाग के अधिशासी अभियंता अजय कुमार से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही विभाग पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर पेश कर रहा है और जल्दी ही दो तीन महीनों के अंदर ही जो पुल का निर्माण कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जिला परिषद मेंबर गांव रोतनावाला, मैं यहीं का स्थायी निवासी हूं। हमें तीन साल से इस पुल की दिक्कत है। हमारे यहां से जो बच्चे स्कूल को जाते हैं, बसें जाती थी, वो बंद है। बच्चे परेशान हैं, हमारे लोग सब परेशान हैं। इस पुल से गिरने से हमारे लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, हमें निकलना बाहर मुश्किल जा जाता है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। तो सर बरसात के दिनों में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत दिक्कत आती है जी, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है नदी से। अगर प्रशासन आपकी समस्या नहीं हल करता तो हम धरना रखेंगे। अगर प्रशासन नहीं इसकी सुनवाई करते तो हम धरना करेंगे, क्यों हमें दिक्कत है इस करके हम धरना करेंगे। तो सर काफी लंबे समय से ये समस्या तीन साल से है जी। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तक प्रशासन ने कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं की जी। जब कहते कहते हमारे पास पैसा नहीं है, जिसके पास जाओ कहता हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा आएगा कहाँ से? कि सरकार के पास पैसा नहीं तो कहाँ से आएगा? हमारी लोगों की कोई सुनाई है नहीं, इसलिए अगर हमारा पुल ना बना तो हम सारे इकट्ठे होकर धरना देंगे। पांच छह पंचायतें हैं, सभी हम धरना दे देंगे। ठीक है। हाँ जी सर, क्या समस्या है? मैं जी रोतनावाला का स्थायी निवासी हूँ। हमारे पुल तीन साल से टूट चुका है और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बरसात में जैसे हमारे जिमीदार भाई है, घास लेना पड़ता है, माएँ बहनें हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हमारी जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत आती है। जैसे प्राइवेट स्कूलों की बसें भी चलती है, उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हमारे बागवाला बेरसन के स्थायी निवासी है, वो भी इसी रूट से जाते हैं, कोलका लियोन साई, काफ़ी पंचायतें इस रूट से टच है, उनको भी काफ़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। बरसात आने से पहले हमें यह पुल रेडी चाहिए, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम वो कार्रवाई करेंगे। रामदेव जी, ग्राम पंचायत मानपुरा से प्रधान हूँ। तो सर क्या समस्या आ रही है और कब से समस्या है यहाँ पे?
मैं अभी न्यूली प्रधान बना हूँ जी, और ये समस्या अभी गांव वालों ने मेरे को बताया आज ही फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे करके हमारा जो समस्या तो काफ़ी टाइम से पिछले तीन साल से ये पुल जो गिरा हुआ है, तो लोगों ने जैसे बताया कि हमने बोला हुआ है उसको डिपार्टमेंट को बोला था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी, तो हमारे की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इन लोगों ने मेरे को बुलाया तो मैं आया यहाँ पर देखने के लिए समस्या देखने के लिए। तो जो हमारा होगा आगे रेजोल्यूशन डाल के हम भी आगे देंगे, विभाग को देंगे। सर इसको 3 साल हो गए किसी निगम में आज तक बुलाया नहीं सर ये? सर 3 साल पहले मुझे नहीं पता इस बात का, मैं तो अभी न्यूली प्रधान बोले 1 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया है जी। प्रशासन से सर क्या मांग रहेगी आप? यही मांग है कि पब्लिक का देखो समस्या जन समुदाय की समस्या है, इतनी पंचायतें यहाँ पे पड़ती हैं, सबका जो राइट तो है ही क्योंकि रास्ता तो चाहिए, पानी ये पाइप यहाँ पे जो डाले हुए हैं बरसात में हट जाएंगे, बरसात से पहले पहले अगर ये स्टैंड हो जाता है सही हो जाता है, जैसे भी रिपेयर हो या फिर इसको नए सिरे से बनाया जाए, जैसे भी आप मतलब विभाग इसको समझे करे बस। एक्स प्रधान उप प्रधान है जी ग्राम पंचायत आनंदपुर से, असं कई प्रस्ताव SDM साहब ने भी दिते थे, इनू SDO साहब ने भी दिते थे, जब भी जाते थे अभी पैसा नहीं जी है, नहीं 65 लाख रुपये का इसका एस्टिमेट बन के बन चुका, कहते जब पैसा आएंगे लगा देंगे। तो सर कब से इसकी जो हालत ख़राब चुकी है? 3 साल हो गए जी। तो सर बरसात के दिनों में दिक्कत नहीं आती है? बहुत दिक्कत है जी, गाड़ियों के चैम्बर टूट गए यहाँ। ये सर कब बना था? ये बना था 1998 में। अब प्रशासन से मांग क्या सर आपकी? जल्दी जल्दी बनाया जाए नहीं तो हम यहाँ धरना देंगे जी। अच्छा मैम जो यहाँ पे पुल टूटा है कब से टूटा है, क्या समस्या आ रही है? अच्छा क्या दिक्कतें आ रही है आपको? बरसात में जा रही दिक्कत आ रही है, जूना भरा गड्डी उड़े खेतों में जाना जी। कौन सा गांव पड़ता है ये? रोहता। आपने शिकायत दी कभी, कोई प्रशासन अधिकारी आए यहाँ? दी जी। अच्छा जी, कोई हल नहीं हो समस्या? नहीं कोई हल नहीं। नहीं तुसी प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? पुल दे बारे कर दे जी, पुल चालू हो जाता है ना, बन जाता। एक समस्या है पुल की समस्या, कब से टूटा और क्या दिक्कतें आ रही है? 3 साल हो गए सर। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा बहुत समस्या है, सब जनता की यही मांग है कि पुल जल्दी जल्द बनना चाहिए।